वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ए ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसनी रोटी। तो उसके लिए मैं पहले सामान निकाल लूँगी। ये आटा निकाल लिया, ये बेसन निकाल लिया, और क्या क्या चाहिए हमें इसके लिए वो सब निकाल के मैं रख लूँगी, और फिर वहाँ से मिलती हूँ। सारा सामान मैंने निकाल लिया, अब मैं इनको एक उसमें तरतीब में कर दूँगी, और फिर मैं आपको बता दूँगी कितना हमें ये चाहिए, कितना हमें ये चाहिए, कितना हमें आटा चाहिए, कितना हमें चाहिए, कितना नमक, और कितने हमें ये सब्जी चाहिए। तो मैं आपको सब चीज़ें सेटिंग करके दिखा दूँगी। ऑलमोस्ट भी हमने तीन जो है अपने ये जो हमारे बाउल है इतना हमने आटा ले लिया। इसके बाद मैं बेसन लूँगी, तो अब हम बेसन डालेंगे इसमें एक प्याली। तो दो प्याली हमने इसमें बेसन, और तीन या ढाई प्याली आप कह लें हमने इसमें मैदा डाला है। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे जीरा, एक टेबल स्पून फुल भर के डाल दें। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स एक और दो टेबल स्पून फुल भर के। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, स्पाइस का नमक का आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हमारे यहाँ पर ज़्यादा खाया जाता है, ज़्यादा डालते हैं एज यूजल। और हमने इसमें ऐड कर दिया अपना सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे, डाल देंगे प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, और अपने अब मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, मैं ऑयल डाल दूँगी थोड़ा सा, और इसको मैं नॉट बना दूँगी, भून लूँगी इसको मैं। इसके साथ में बनाऊंगी एक मज़ेदार सी चटनी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और सिखाऊंगी कैसे बनती है। तो अब मैं इसको भूनने के बाद दिखाती हूँ आपको ये कैसा हो जाएगा। मैं बेसन की रोटी बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं एक मेरा आटा 15 मिनट रेस्ट के बाद बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया। इस तरह से सज जाएगा, तो दूसरी तरह सेकने के बाद फिर मैं डाल दूँ।
अच्छी तरह बाकी सब भी बना के और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके साथ हम लोग बनाएंगे प्याज और लहसुन की चटनी अपने बेसन के पराठे के साथ। तो इसके लिए हमें ये सब चाहिए, तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ हमें क्या क्या चाहिए। ये एक ब्लेंडर, और उसमें हम डालेंगे ये जो हमने प्याज ली है, फ्राई डाल देंगे बस। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा ऐड कर दूंगी पानी और इसको ब्लेंड कर लूँगी। इतना सारा पानी डाल दिया है और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी और फिर मैं बताती हूँ नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा इसका। जब तक पानी ड्राई ना हो जाए यहाँ पर चटनी चढ़ जाएगी। अभी यहाँ पर चटनी तैयार हो गई है, मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको पूरा डिश आउट करके दिखाती हूँ। चटनी तैयार है, उम्मीद करके आपको अच्छी लगे। आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें।